इस वाहिया सीरीज को देखने के बाद मुझे एक दिन का समय लगा अपने आप को शांत करने में। यार सच में मुझे ऐसा लग रहा था मैं कौन सा भारत देख रहा हूँ उसमें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा एसुटेबल बॉय वेब सीरीज के बारे में जिसे बीबीसी ने प्रोड्यूस किया है। अब देखो यार, बीबीसी जहां से वो अपनी आदत से मजबूर है कि वो भारत को कुछ और ही नजर से देखते हैं, और उन्होंने ऐसा ही इस सीरीज के अंदर दिखाया है। शुरुआत में इन्होंने अपने ही प्लेटफॉर्म बीबीसी पर इस सीरीज को रिलीज किया था, लेकिन वहां नहीं चली थी, तो इन्होंने भारत के जो जहां पर कचरा पट्टी अपलोड की जाती है उनके उनका सहारा लिया, यानी नेटफ्लिक्स का सहारा लिया। अब देखो यार, नेटफ्लिक्स इंडिया की तुम कोई भी वेब सीरीज या मूवी उठाकर देख लो, इतनी घटिया इतनी वाहियात प्रोपेगेंडा से भरी हुई होती है, उनकी कोई भी लिटरली वन एक सीरीज भी उनकी अच्छी नहीं बनती। अब देखो यार, इस सीरीज के अंदर 1950 से 1951 का टाइम दिखाया गया है, जब भारत में पहली बार इलेक्शन हुए थे, पहली बार जब गवर्नमेंट बनी थी, तो वहां का जो इसमें टाइम दिखाया गया। और इवन मतलब मैं हैरान हो गया कि इसमें जो लोगों की सोच दिखाई जा रही है कि वो ये कह रहे हैं कि उनको अंग्रेजों का टाइम ज्यादा पसंद था, यानी अंग्रेज अच्छा शासन किया करते थे और उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। यार ये वाली चीजें, यार ये केवल ये नहीं है, अभी और भी हैं, मतलब इतनी घटिया इतनी बकवास चीजें इस सीरीज के अंदर दिखाई गई। यार व्हाट ए शेमफुल वर्क डन बाय मीरा नायर। देखो यार, इन जैसों की नजरों में भारत का कल्चर खराब है, भारत में जो एक परिवार की जो वैल्यू है वो खराब है, और भारत में जहां पर विभिन्न प्रकार के जो धर्म है वो एक दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं, वो सब चीजें खराब है, ये तो इस तरीके से देखते हैं। मैं तो हैरान हुआ यार, इस सीरीज के अंदर जैसा भारत दिखाया जा रहा था, मतलब यहां पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ दारू पी रहा है। यार इतनी चीप सीरीज, इतनी घटिया इतनी वाहिया सीरीज देख के ही उसको घिन आ रही थी। अब जितना मैंने अपने देश को जाना है, मैंने इतना ही पाया कि यहाँ पर सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं, जहां पर विभिन्नता में एकता आपको देखने को मिलती है। और मैंने ऐसा कभी भी कोई भी ऐसा वाक्य नहीं देखा जिसमें कोई हिंदू जाकर किसी मस्जिद के सामने एक मंदिर बनवा रहा है ताकि मुस्लिम्स को मतलब मस्जिद में ना जा सके और वहां पर वो पूजा ना कर सके। यार क्या सोचकर तुम वो चीज दिखा रहे हो, ऐसी घटिया चीजें तुम दिखाकर ये इस देश की तुम इमेज खराब करने पे लगे हुए हो। तुम ये दिखा रहे हो कि ऐसा चीजें होती हैं इस देश के अंदर, मतलब तुम्हें अंदाजा भी है क्या है इस देश में विभिन्नताओं में एकता का मतलब भी पता है? जहां पर अभी मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, जैसे यूएस में जो ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर जो वहां पर जो हंगामा चल रहा है, इवन अभी भी वो हंगामा भी चल रहा है, उनसे वो एक हंगामा तक नहीं संभल रहा है। और जहां पर इस देश की बात करते हैं ना, गर्व होता है इस देश पे, जहां पर इतने सारे धर्म होते हुए भी 100 किलोमीटर जाकर देखो तो वहां पर कल्चर बदल जाता है, वहां की भाषा बदल जाती है, वहां पर भी ये देश जो है वो एक होकर खड़ा है। और सोचो अगर इस देश में जितनी भी विभिन्नताएं अगर यूएस में डाल दे तो यूएस के टुकड़े होते टाइम लगेगा। और एक तो जैसे एक ट्रेंड चल पड़ा है एक हिंदू कल्चर का मजाक उड़ाने में, यानी तुम बस सिर्फ और सिर्फ तुमने इसको चलन चलन बना लिया अपने बिजनेस के लिए और एक अपना घटिया प्रोपोगेंडा लोगों में मतलब फैलाने के लिए। और हद तो तब होती है जब जहां तुम ये दिखाते हो कि एक लड़का और एक लड़की जाकर मंदिर में जाकर वो किसिंग सीन कर रहे हैं और पीछे आरती चल रही है और नो वन किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा वहां पे। और सच में तुम यही सोचते हो ना, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा होता कि अगर ऐसे हरकत हम करते हैं तो वहां पर, एक बार जरा जाकर ये सब चीजें करके देख लो, तुम्हारा पिछोड़ा सुधा देंगे वो। और किसी को भी कोई हक नहीं बनता किसी की आस्था का मजाक उड़ाने में। और जहां पर मंदिर की बात करें, जहां पर लोग अपने भगवान की पूजा करने जाते हैं, अपने मन की शांति के लिए जाते हैं, वहां पर तुम ऐसी घटिया चीजें दिखा रहे हो। और केवल मात्र ये एक सीन नहीं है, पूरी की पूरी ये सीरीज जो है वो भारतीय कल्चर को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। सच में यार बहुत ज्यादा घटिया और चीप सीरीज है, मेरे अंदर मतलब गाली देने का मन तो कर रहा है, लेकिन और जो तुम्हारे दिमाग में जो कीड़ा लगा हुआ है ना हर जगह अपना प्रोपेगेंडा घुसेड़ने का, तुम्हें इतना ही शौक है ना तो कहीं और घुसेड़ो, समझ रहे हो ना मेरा मतलब। यार हैरानी की बात होती है कि जहां पर नेटफ्लिक्स पर तुम देखो इंटरनेशनल, जब तुम नेटफ्लिक्स को देखते हो तो वहां पर जो इंटरनेशनल कंटेंट तुम्हें देखने को मिलता है तो वो बहुत बढ़िया होता है, तो इतना अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलता है, लेकिन हमारे भारत में वहां पर सिर्फ इन लोगों को प्रोपेगेंडा से फुर्सत नहीं मिलती एक कल्चर को बदनाम करने पे, एक धर्म को प्रदान करने में, इन लोगों को कोई मतलब इसी चीज में लगे हुए हैं। तुम सोचते हो अगर ऐसी चीज घटिया दिखाकर हिंदू मुस्लिम के बीच में ऐसी चीजें दिखाकर तुम डिवाइड कर पाओगे तो बेटा तुम्हारी सोच से तो बहुत परे है ये देश। अब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है, देखो यार बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं, बट क्या करें ना ऊपर जो है ऐसे घटिया जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी मानसिक रोगी कह सकते हैं, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो लोगों को गोबर ही परोसते हैं और खुद भी वही खाते हैं, तो ये लोग इन लोगों को आगे नहीं आने देते और अपनी ही घटिया चीजें हैं वो लोगों को परोसते रहते हैं। अब देखो मैं तुमसे ये कहूं कि ये सीरीज देखो जाकर, बिल्कुल भी नहीं यार, ये सीरीज देखना तो दूर की बात, ये थूकने के लिए डिजर्व नहीं करती। और अब तुम ये सोचो कि यार क्या हुआ, एक मूवी या सीरीज आ गई तो कोई फर्क तोड़ना पड़ता है कि कल्चर को फर्क तोड़ना पड़ जाएगा, रिलीजन को फर्क तोड़ना पड़ जाएगा, फर्क की बात नहीं होती। ये सब चीजें हैं जो लोगों के जो बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा गहरा असर डालती हैं, लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी पैदा करती हैं। ऐसा नहीं है भारत यार, तुम्हें तुम्हें खुद पता है कि भारत कैसा देश है,
मिसाल दी जाती है यार भारत की, कि इस देश में जो है वो एक इतना जबरदस्त लोकतंत्र, इतना जबरदस्त यहाँ का विभिन्नताओं में एकता, इतने इतने धर्म है लोगों को, हर किसी धर्म को अपनाने की अपने अपनी उनको आजादी है, अपने धर्म को मतलब प्रचार करने की उनको आजादी है। तुम बाकी और देशों का हाल देखो जरा, जहां पर क्या चल रहा है। एट दी एंड मैं यही कहूंगा यार, इन जैसी सीरीज से दूर रहो, और ऐसी कोई देखता भी है तो उनको कहो, उनको समझाओ यार जाकर कि इनसे कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये भूसा गोबर यही भरने वाली है। सच में नहीं झेला गया इस सीरीज को, मतलब मुझे बहुत टाइम लग गया इस सीरीज को एक एक एपिसोड देखने के लिए, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था यार इस सीरीज को जब मैं देख रहा था, इसको देखना नहीं इसको झेल रहा था, जैसे जैसे इसके अंदर सीन दिखाए जा रहे थे। बंद करते हैं यार, तो बस आज के लिए इतना ही था यार।